सो हेलो गज़ आपका मैं टेक्नोलॉजी अपने स्टडी विद विद्रम से स्वागत है तो आज हम करेंगे डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर थर्टी जो कि क्लास नाइन्थ की और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेटेड है एटीन सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आपका टॉपिक है ग्रामर का रिपोर्टेड स्पीच तो आई करते हैं हम स्टार्ट अपना टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ other people or what we say the two main types of reported speech direct speech and indirect speech direct speech quoting the exact exact word of the speaker it appears with the within the quotation mark example the teacher said to anu you are a good girl indirect speech reporting of what the speaker said in Own words without changing the meaning. It does not use quotation marks. Example, the teachers told Anu that she was a good student. तो इसमें क्या था रिपोर्ट स्पीच ऐसा एक स्पीच है जिसमें हम अपने स्पीच को कन्वे कर सकते हैं और इसके दो मेन टाइप्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेशन मार्क्स के साथ लगाते हैं लगाते हैं और जो स्पीकर uh, मतलब कि जो बोल रहा होता है उसने जो एग्जैक्ट बोला वही हम बोलते हैं कोटेशन मार्क्स का यूज़ करके बट इनडायरेक्ट uh, में ऐसा नहीं होता है इनडायरेक्ट में हम कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं करते हैं जैसे कि अपने वर्ड्स में और उसी मीनिंग से हम व, 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 वो वो चीज़ बोल देते हैं तो कुछ रूल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच हो तो पास प्रेजेंट सिम्पल कंटीन्यूस परफेक्ट कंटीन्यूस एक्सेट्रा चेंज इंटू रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म तो ये सभी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें और पास सिंपल कंटीन्यूस चेंज इंटू पास परफेक्ट और एंड पास परफेक्ट कंटीन्यूस there is no change for the past perfect and past perfect continuous modal verbs sometimes get changed will would can could may might must had to time expression get changed today that day tonight that night yesterday the day before tomorrow the following day now then last week the week before द प्रीवियस वीक तो इन सभी में हम ये चेंज करते हैं मोडाल्स वर्ड भी चेंज करते हैं अगर मोडाल्स में डायरेक्ट में लिखा है विल तो हम उसका वोट कर देंगे कैन का कोड कर देंगे मे का माइट कर देंगे और मस्ट का हैड टू कर देंगे तो ऐसे ही कुछ टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया तो फॉर मोर क्लियरिटी लेटर्स रिफर टू द टेबल बिलो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और तो हम इस टेबल के नीचे जाते हैं लोग टेबल को रीड करते हैं डायरेक्ट <coughs> स्पीच है द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली और इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड अस टू वियर आवर मास्क प्रॉपरली अमन सेड आई विल विजिट मॉल अमन सेड डेट ही विल ही वुड विजिट मॉल द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड यू कैन मीट मी टुडे द डॉक्टर सेड डैट वी कोड मीट हिम डैट डे मोहित सेड सेड आई कोड रीड वैन आई वाज फोर आई मोहित सेड डैट ही कुड रीड वैन ही वाज फोर तो अब कुछ चेंजेस करने हैं हमें तो हमें इसमें क्या करना है हमें डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं हमें इनको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में ट्राई करते हैं तो फर्स्ट देखते हैं सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे तो सोनिया सेड टू हर फ्रेंड डेट शी लर्न लर्न मैनी थ्योरीज द डे बिफोर थोरीज द डे बीफोर जैसा कि आपने देखा कि येस्टरडे को चेंज करेंगे द डे बिफोर में तो बाकी के ऐसे आप खुद कर लेंगे मैं आपको एक और बता देता हूँ ही प्रॉमिस्ड आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टमोरो ही प्रोमिस्ड डैट तो ही प्रोमिस का तो आप ऐसे ही लिख देंगे एग्जैक्ट डेट ही विल

तो ये थी वर्कशीट वर्कशीट कंप्लीट करके आपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए यू बाय कमेंट करना ना भूलें